Hello students, welcome to our APS classes. As all we know that this is our foundation course. And dear students, in our today's video we will discuss about the class 5th sample paper for annual exam that is to be held in March 2022 and this sample paper is recently issued by the HP Board of School Education, Dharamshala. And our today's पेपर सैंपल पेपर फॉर क्लास फिफ्थ इज एनवायरमेंटल स्टडीज. सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेटे क्लास फिफ्थ के सैंपल पेपर को सॉल्व करवाने का वो रहेगा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का. कल की वीडियो में जो हमने सैंपल पेपर डिस्कस किया था फिफ्थ क्लास का वो हमने किया था इंग्लिश का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मार्च 2022 में बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स जो है वो शुरू होने जा रहे हैं. तो उसी से रिलेटेड हम डेली एक सैंपल पेपर का जो एक वीडियो है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हम रोज बना रहे हैं, जिससे कि बच्चों को जो है वो किसी भी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े. तो बेटे अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि हमारे रिलेटेड है एनवायरमेंटल स्टडीज से, क्लास फिफ्थ सैंपल पेपर फॉर एनुअल एग्जाम March 2022 दैट इज रिसेंटली इश्यूड बाय द HP बोर्ड. तो बेटे अब हम शुरू करते हैं मॉडल जो आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर है क्लास फिफ्थ का एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड. उसमें जो आपका एक पैटर्न रहेगा हर पेपर में, मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से आप जो पेपर की है वो शुरुआत करेंगे. तो उसके लिए जो फॉर्मेट दिया जाएगा बेटे आपको, सबसे पहले आपका स्कूल नेम, वट एवर योर स्कूल नेम, जिस स्कूल में भी आप स्टडी कर रहे हैं उस स्कूल का आप नाम लिखेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो वहां पर आप मेंशन करेंगे. यू हैव टू मेंशन द स्टूडेंट नेम इन दिस फॉर्मेट. नेक्स्ट, इन विच क्लास यू आर स्टडीड, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स योर क्लास इज फिफ्थ क्लास. वट एवर योर क्लास रोल नंबर, जो आपका क्लास रोल नंबर होगा वो आप वहां पर मेंशन करेंगे. वट एवर द डेट, जिस डेट को भी आपका एनवायरमेंटल स्टडी का एग्जाम होगा आप उस डेट को वहां पर मेंशन करेंगे. तो हर वीडियो में मैं आपको डेली बता रही हूं कि जो भी आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम से पहले, जो भी आपसे रिलेटेड जो आपका जो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी वो वहां पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी. स्कूल का नेम, आप स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट कौन सा होगा, किस डेट पर आपका एग्जाम हो रहा है, वो सारे जो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी वो एग्जाम से पहले आपको वहां पर वो मेंशन करनी होगी. तो बेटे अब हम शुरू करते हैं आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है. उसमें आपको 10 क्वेश्चंस जो होंगे अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कैरी करेगा 1 मार्क्स को और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 10 क्वेश्चंस. सो द टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स. सो टोटल जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो टोटल रहेगा बेटे वो आपका रहेगा 10 मार्क्स का. Your first question is multiple choice questions and your first question is which word has eyes in front of its head. Options are peacock, first option is peacock, second option is parrot, third option is owl and fourth option is crow. So there are 4 options for the question number 1. Which word has eyes in front of its head? Options दिए गए हैं peacock, parrot, owl and crow. So the right option is owl. The right option is owl. So owl is the right option and owl is the word that has eyes in front of its head. So this is the right answer. Now shift to the next question and your next question is which of the following animals has biggest ears? Options are option A is tiger, second is lion, third is deer and fourth is elephant. So which of the following animal has the biggest ears? Tiger, lion, deer and elephant. So beta, only elephant is the animal that has biggest ears. So elephant is the animal that has biggest ears. Now shift to the next question and your next question is which pulse is soaked before cooking? Which pulse is soaked before cooking? Your options are red lentil,
सेकेंड अरहर, थर्ड स्प्लिट ब्लैक ग्राम एंड फोर्थ इज राजमा. सो आउट ऑफ दीज पल्सेस विच इज सोक्ड बिफोर कुकिंग, सो द राइट ऑप्शन इज राजमा. राजमा इज अ पल्स दैट इज सोक्ड बिफोर कुकिंग, सो राजमा. राजमा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सॉल्टीएस्ट सी इन द वर्ल्ड. ऑप्शन आर रेड सी, डेड सी, अरेबियन सी एंड बैल्टिक सी. सो आउट ऑफ दीज विच इज द सॉल्टीएस्ट सी इन द वर्ल्ड, आइदर रेड सी, डेड सी, अरेबियन सी एंड द बाल्टिक सी. सो द सॉल्टीएस्ट सी इन द वर्ल्ड इज द डेड सी. डेड सी. Dead Sea is the saltiest sea in the world. Now, we shift to the next question, and your next question is malaria causes due to. Options are either by mosquito bite, second by ant bite, by drinking polluted water, and the last one is anemia. Malaria causes due to either by the mosquito bite, by ant bite, by drinking polluted water and by anemia. So, beta, jo malaria hai, it is only and only causes by the mosquito bite. By mosquito, mosquitoes bite. So, this is the right answer, by mosquitoes bite. Next is, what is the height of the Mount Everest? Your options are 8,950 meters, second 12,010 meters, third 9,860 meters, and fourth one is 8,848 meters. So, what is the height of the Mount Everest? So, बेटे जो height है Mount Everest की, the height of the Mount Everest is 8,848 meters. 8,848 meters is the height of the Mount Everest. So, this is the right answer. Next is, in which state Suryamani lives? In which state Suryamani lives? Options are Himachal Pradesh, B, Jharkhand, C, Bihar, and the fourth one is Punjab. In which state Suryamani lives? So, Suryamani lives in the state of Jharkhand. 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 Next question is, who is Sunita Williams? Options are doctor, sports person, politician and astronaut. Who is Sunita Williams? Either doctor, sports person, politician as well as astronaut. So, Sunita Williams is astronaut. So, this is the right answer. Astronaut. So, this is the right answer for the question number H, that is, who is Sunita Williams? Now, next is, the white strips painted on the road are connected to which animal? जो road पर white strips painted होती हैं, वो किस animal से connected हैं? Options are, zebra, elephant, lion, and bear. The white strips painted on the road are connected to which animal? So the white strips painted on the road are connected to zebra animal. Zebra animal. So this is the right answer. Zebra animal. So the white strips painted on the road are connected to zebra animal. Next, your question is, what is not found in
फॉरेस्ट अमंग दीज, इनमें से कौन सी चीज है जो फॉरेस्ट में नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस आर एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज एंड शॉप्स. तो आपको पता है बेटे कि जो फॉरेस्ट में एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं. एवरीथिंग इज फाउंड इन द फॉरेस्ट बट ओनली शॉप्स आर नॉट फाउंड इन द फॉरेस्ट. क्योंकि फॉरेस्ट में शॉप्स नहीं पाई जाती हैं, बट एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, ऑल दीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. सो शॉप्स आर नॉट फाउंड इन द फॉरेस्ट. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर जे. एंड द व्हाइट स्ट्रिप्स जो पेंटेड ऑन द रोड आर कनेक्टेड टू जेब्रा एनिमल्स. क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रोड पर व्हाइट लाइंस होती है, तो जेब्रा के ऊपर भी व्हाइट और ब्लैक लाइंस स्ट्रिप्स होती हैं. तो ये जो रोड की व्हाइट और ब्लैक लाइंस होती हैं, ये टोटली कनेक्टेड करती हैं हमारी जेब्रा एनिमल्स के साथ. एलिफेंट के ऊपर कोई व्हाइट और जो है ब्लैक लाइंस नहीं होती है, लायन के ऊपर भी नहीं होती है, और बियर के ऊपर भी नहीं होती है, बट सिर्फ जेब्रा एनिमल्स के ऊपर व्हाइट और रेड व्हाइट और जो ब्लैक लाइंस होती हैं वो होती हैं. इस वजह से कनेक्टेड करता है किसके साथ? व्हाइट स्ट्रिप्स, जो कि हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड करती हैं रोड पर जो व्हाइट स्ट्रिप्स या ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, वो डायरेक्टली हमारी कनेक्टेड करती हैं जेब्रा एनिमल के साथ. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो बेटे अब यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपको ये बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है. जो नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है? केरला है, असम है, गुजरात है, या फिर पंजाब है? तो बेटे जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश से जो आगे राज्य आता है, जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है? पंजाब है. केरला जो है वो पड़ोसी राज्य नहीं है हिमाचल प्रदेश का, असम भी पड़ोसी राज्य नहीं है, गुजरात भी नेबरिंग स्टेट नहीं है हिमाचल प्रदेश का, बट पंजाब इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश. सो पंजाब इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश. नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड योर क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. एंड दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. देयर आर टोटल 6 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं. उन 6 ऑप्शंस में से कोई आपको 5 जो ऑप्शंस हैं वो करनी होगी, और हर एक जो ऑप्शन होगी वो 1 मार्क्स की होगी, 5 आपको अटेम्प्ट करनी है. तो जो टोटल होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑफ 5 मार्क्स. तो फर्स्ट जो हमारा इसमें स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्नो स्लीप्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स इन अ डे. बिल्कुल सही है, बिकॉज स्लोथ इट स्लीप्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स इन अ डे. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड इज ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. सभी के सभी स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज आयरन नेल डज नॉट सिंक इन वॉटर. बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आयरन नेल जो होती है वो पानी में एकदम डूब जाती है. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आयरन नेल को पानी में डालें और वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर दे, वो पानी में डूब जाती है. जबकि यहां पर पूछा जा रहा है कि आयरन नेल जो होती है वो पानी में सिंक डूबती नहीं है. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज आयरन नेल ऑलवेज sinks on the water, sinks in the water. So this is wrong statement, false statement. Next is anemia is caused due to the deficiency of hemoglobin or iron in the blood. बिल्कुल सही है, जो anemia का disease होता है that is caused due to the deficiency of hemoglobin or either iron in the blood. तो इस वजह से क्या होती है ये anemia की जो डेफिशिएंसी होती है वो हीमोग्लोबिन की वजह से या फिर आयरन इन द ब्लड की वजह से होती है. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ट्रू है. वी शुड प्ले ऑन द रोड. क्या हमें रोड पर खेलना चाहिए? वी शुड प्ले ऑन द रोड, ये कह रहे हैं कि हमें रोड पर खेलना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज
वी शुड सेव फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, हमें जंगलों को आग से बचाना चाहिए. सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, वी शुड सेव फॉरेस्ट फ्रॉम फायर. सो दिस इज ट्रू. So this is true. तो बेटे इस तरह से आपके पांच स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फॉल्स की. छह आपके पास दी गई हैं, कुल फाइव आपको अटेम्प्ट करनी है. हर एक स्टेटमेंट जो भी वो कैरी करेगी वन मार्क्स को. टोटल आपको पांच स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स की करनी है. तो कुल मिलाकर जो इसका टोटल बनेगा वो बनेगा फाइव मार्क्स का. Now shift to the next question and your next question is fill in the blanks. इसमें भी आपके six fill in the blanks पूछे गए हैं, पर उनमें से कोई आपको five fill in the blanks होंगे वो attempt करने होंगे. First is the empty plastic bottle dash on water. आप कर भी सकते हैं बेटे, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल लेंगे और उसको आप पानी में डालकर देखना क्या वो डूबती है या तैरती है. तो आप जब उसको करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स फ्लोट्स ऑन वाटर. वो वाटर के ऊपर क्या करेगी बेटे, फ्लोट करेगी. इट फ्लोट्स ऑन द वाटर. नेक्स्ट, डांडी मार्च टुक प्लेस इन डैश ईयर. डांडी मार्च took place in dash year. So Dandi March took place in 1930 year. Next, a model of Earth is called globe. जो अर्थ का मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं. Next, dash is the state word of Himachal Pradesh. कौन सा ऐसा जो बर्ड है वो हमारा राज्य पक्षी है. डैश इज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो जुजुराना इज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश. जुजुराना इज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज पश्मीना वूल इज कलेक्टेड फ्रॉम. सो पश्मीना वूल इज कलेक्टेड फ्रॉम गोट. पश्मीना वूल कहां से कलेक्ट होती है बेटे, गोट से. नेक्स्ट, अबाउट डैश पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट. तो कितने जो लोग हैं मिजोरम के वो लिंक या कनेक्टेड है जंगलों के साथ, फॉरेस्ट के साथ. सो अबाउट थ्री फोर्थ पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट. सो बेटा दिस क्वेश्चन इज ऑफ फाइव मार्क्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फोर, एंड योर क्वेश्चन नंबर फोर इज मैच द फॉलोइंग्स. ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉल्टेड सी, कोल्ड डेजर्ट एंड साबरमती आश्रम. लेह, डेड सी, गुजरात, ठीक है, पेडिस्ट्रियन पार्क एंड न्यू दिल्ली. दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑफ फाइव मार्क्स. ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा बेटे, फाइव मार्क्स का. सो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इट इज पेडिस्ट्रियन पार्क. कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. सॉल्टेड सी, डेड सी, कोल्ड डेजर्ट, लेह एंड साबरमती आश्रम, दैट इज इन गुजरात. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ द मैचिंग. जैसे हम ए कॉलम को बी कॉलम के साथ मैच कर रहे हैं, सो दिस इज द एप्रोप्रिएट वे ऑफ मैचिंग फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम टू. नेक्स्ट इज आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, कोई फाइव क्वेश्चंस आपको करने होंगे. हर एक क्वेश्चन के जो होंगे वो टू मार्क्स रहेंगे. तो अगर आप फाइव क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के जो टू मार्क्स रहेंगे, तो टोटल जो रहेंगे ये क्वेश्चंस आपके टेन मार्क्स के रहेंगे. पहला क्वेश्चन जो है बेटे आपका, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस
स्मेल ऑफ डॉग्स. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं बेटे इस क्वेश्चन को. इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. ये क्वेश्चन है बेटे आपके पास. सो वी मेक यूज ऑफ स्पेशल सेंस ऑफ डॉग्स. नंबर वन, वी मेक यूज ऑफ स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. नंबर वन इज टू कैच द थीव्स. To catch the thieves. To catch the thieves. To catch the thieves. This is the first way to catch the thieves. Second is to spread to search out special items to search special items like stolen goods, like stolen goods and bomb etc. So beta, in what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? So to make use of special sense of smell of dogs, number one is to catch the thieves. Second one is to search special items like stolen goods, bomb, etc. Next question is, your next question is, which state of India have oil fields? So, in India, oil fields are found in India, oil fields. Oil fields are found in Assam, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, and Andhra Pradesh. So this is your second question. Which states of India have oil fields? So in India, oil fields are found in number one Assam, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and Andhra Pradesh. So in these states, oil fields are found. Next is your question, and your question is, which are the states next to state you live in? So the states next to Himachal Pradesh, next to Himachal Pradesh, so which are the states next to the state you live in? So the states next to Himachal Pradesh, jo states Himachal Pradesh ke aage aati hai beche, wo kaun si hai? The states next to Himachal Pradesh kaun si hai beche? Are Punjab and Uttarakhand. Uttarakhand. ठीक है बेटे.
So the states next to Himachal Pradesh are कौन कौन सी है बेटे? पंजाब एंड उत्तराखंड. ये स्टेट्स हैं बेटे, द स्टेट्स नेक्स्ट टू हिमाचल प्रदेश आर पंजाब एंड उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे अब आपका, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड. व्हाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड. सो पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड. द पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड टू हेल्प, टू हेल्प एंड शेयर sorrows, sorrows with each other, with each other. Take charmers, which other people depend on animals for their livelihood. Like snake charmers, which other people depend on animals for their livelihood. So first is people working in circus, people working in circus. पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटे, people working in circus. Second, people hunting the wild animal. People hunting the wild animal. People hunting the wild animals. Next जो है बेटे आपका, next is, पहला आपका आ गया people working in circus, second आ गया people hunting the wild animals, third आ गया people showing monkeys and bear show. Third आ गया आपका बेटे people showing monkeys and bear show. पहला क्या है बेटे आपका, तीसरा आ गया आपका पीपल शोइंग मंकीज, पीपल शोइंग मंकीज एंड बियर शो. इसमें से बेटे लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. So first is people working in circus, second is people hunting the wild animals, third is people showing monkeys and bear show. Next question is, what are the diseases caused by mosquito bites? कौन कौन से diseases है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं? So what are the diseases caused by the mosquitoes bite? So कौन कौन सी diseases है बेटे, डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया. चिकनगुनिया चिकन गुनिया. सो दीज आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज बाइट. नंबर वन इज डेंगू, सेकेंड वन इज मलेरिया एंड द थर्ड वन इज चिकन गुनिया. तो इस तरह से बेटे आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं. कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे. टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा 10 मार्क्स का. ये जो सेक्शन रहेगा आपका क्वेश्चंस का वो रहेगा 10 मार्क्स का. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 इज answer the following questions. ठीक है, कोई 4 questions आपको attempt करने होंगे. Your first question is, what are the different houses that you have seen? कौन कौन से ऐसे different types के, क्योंकि आपने बच्चे आज तक काफी तरह के घर देखे होंगे. ठीक है, और वो घर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह के material से वो मिलकर बने होते हैं. तो आपने कच्चे घर भी देखे होंगे, पक्के घर भी देखे होंगे, temporary घर भी देखे होंगे.
कच्चे घर जो होते हैं वो होते हैं दोज हाउसेज विच आर मेड फ्रॉम सॉयल क्ले एंड वुड, एंड जो आपके पक्के हाउसेज हैं दीज हाउसेज आर मेड बाय सीमेंट आयरन bricks, sand, etc. Whereas temporary houses, these are the houses that made temporary by the mountaineers, tourists as well as army team. इनके द्वारा जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Temporary houses होते हैं. So here beta, there are three types of the houses. Number one is kacha houses. These houses are made from wood, clay and soil. Second type of the houses are pakka houses, and these houses are made by iron, bricks, cement as well as iron. Whereas third type of the houses are temporary houses. These are the houses that made temporary by the army team, mountaineers as well as tourists. उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं वो हम temporary houses बोलते हैं. तो इस तरह से बेटे हमारे पास three types के houses हुए हैं, कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस एंड टेम्पररी हाउसेस. तो यहां लिख देते हैं बेटे, नंबर वन इज कच्चा हाउस पक्का हाउस एंड नेक्स्ट इज टेम्पररी हाउसेस. Temporary house. So here beta, three types of the houses are there. या temporary houses या फिर बेटे हम इनको tent houses भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बेटे इनको? Tent houses. So there are three different types of the houses. Kacha houses, pakka houses, टेंट हाउसेस. तो मैंने बता दिया कच्चे हाउसेस किस तरह के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, पक्के हाउसेस किस तरह के मटेरियल से मिलकर बने होंगे, और जो आपके टेंट हाउसेस होते हैं वो टेम्पररी हाउसेस होते हैं दैट आर मेड बाय द आर्मी टीम, माउंटेनियर्स एज वेल एज टूरिस्ट. नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल इज देयर इन द फॉरेस्ट. दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं बेटे मैं, other than trees what all is there in forest. So apart from the trees, forest consists of, so apart from trees forest consists of birds, animals and insects. So beta, this is the answer for the question number 2. Other than trees, what all is there in the forest? So here the answer is, apart from trees, forest consists of birds, animals and insects. Now shift to the question number 3, and your question number 3 is what things should be considered? What things should be considered at the time of an earthquake? जब भूकंप आता है, earthquake आता है, तो उस time हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो ध्यान रखने योग्य है. तो उसमें आपको बताना है कि what things should be considered at the time of earthquake. So we should run. Number one is we should run towards in an open area. तो नोट कर ले बेटे, ये फर्स्ट लाइन है, we should run towards an open area या फिर open place. We should run towards an open area or open place. We should run towards an open area or क्या कहेंगे बेटे? ओपन एरिया और प्लेस. सो दिस इज योर फर्स्ट लाइन. तो हमें जो चीजें ध्यान रखने योग्य हैं अर्थक्वेक के समय पर, वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन एरिया और प्लेस. सेकेंड, वी शुड हाइड अंडर द डेस्क और टेबल.
वी शुड हाइड अंडर द टेबल और डेस्क. ये सेकेंड पॉइंट आ गया, वी शुड हाइड अंडर द टेबल और डेस्क. थर्ड, डू नॉट रन टुवर्ड्स, डू नॉट, कौन सा बेटे, डू नॉट रन, डू नॉट रन डाउनस्टेयर्स. तो भूकंप के समय पर जो हमें तीन बातें याद रखने योग्य हैं वो कौन कौन सी हैं? वी शुड रन टुवर्ड्स एन ओपन एरिया और प्लेस. सेकेंड, वी शुड हाइड अंडर द टेबल और डेस्क. थर्ड, डू नॉट रन डाउनस्टेयर्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर फोर. एंड योर क्वेश्चन नंबर फोर इज क्या है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर फोर? योर क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइफ. क्या इंपॉर्टेंस है स्वच्छता की, सफाई का क्या महत्व है हमारी रोज की दिनचर्या में, सफाई का जो है वो क्या महत्व है. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर डेली लाइफ. सो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस. सो क्लीनलीनेस is next to God Linus. Cleanliness cleanliness makes us या cleanliness जो है keeps us cleanliness keeps us healthy both physically and mentally. So what is the importance of cleanliness in our daily life? Cleanliness is next to godliness. Cleanliness keeps us healthy both physically and mentally. Next question is what kind of problems can be faced from noise of vehicles. What, repeat kar rahi hu questions ko, what kind of problems can be faced from noise of vehicles. So beta, what kind of problems can be faced from noise of vehicles. Noise of vehicles cause irritation and feel uneasy. So beta, इस तरह से यहां पर हमने एक क्वेश्चन कर लिए हैं. What kind of problems can be faced from noise of vehicles? Noise of vehicles cause irritation and makes us all here and we feel uneasy. So ये problems हम face करते हैं, ये परेशानियां face करते हैं हम noise pollution की तरफ से. या तो हम इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेशन फील करते हैं और साथ में हम अनइजी भी फील करते हैं. सो नॉइज ऑफ व्हीकल्स कॉज इरिटेशन एंड फील अनइजी. और उसमें हम कैसा फील करते हैं बेटे? एंड वी फील अनइजी. तो इस तरह से बेटे ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अवर नेशनल फ्लैग. हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं? सो देयर आर 3 कलर्स इन अवर नेशनल फ्लैग. और कौन कौन से कलर है बच्चे? दीज आर सैफ्रन. कौन कौन से कलर है बेटे? सैफ्रॉन है, सेकेंड व्हाइट एंड थर्ड इज ग्रीन. सो दीज आर द
three colors that are found in our national flag. Number one is saffron, number two is white and number three is green. तो बेटे आपको इस तरह से draw करने के लिए भी कहा है कि आप national flag का जो picture है उसको क्या करें, draw करें. तो यहाँ पर हम भी draw कर लेते हैं national flag का figure. So this is the picture of national flag. So this is the picture of the national flag and there are three colors in the national flag, saffron, white and green. तो टोटल जो आपके ईवीएस के क्वेश्चंस रहेंगे बेटे आपके वो रहेंगे 7 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके टोटल मार्क्स जो उसके बनेंगे वो बनेंगे 50 मार्क्स. टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा आपका 3 आवर्स का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 7 है ये. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चंस, कोई आपको 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे. नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो ब्रीफ क्वेश्चंस है, आपको छोटे क्वेश्चंस लिखने हैं पर वो कोई आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. हर एक क्वेश्चन के जो होंगे वो 2 मार्क्स लगेंगे. नेक्स्ट जो आपका मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है, 5 मार्क्स का है. फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी कोई आपको 5 करने होंगे, ये भी आपके 5 मार्क्स के रहेंगे. ट्रू एंड फॉल्स है, ये भी आपसे 5 पूछे जाएंगे, अगेन ये 5 मार्क्स के होंगे. नेक्स्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि आपके टोटल आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे और ये 10 मार्क्स के रहेंगे. तो इस तरह से बेटे आज जो हमने सॉल्व किया है सैंपल पेपर वो किया है एनवायरमेंटल स्टडीज का रिलेटेड विद द 5th क्लास. तो हम इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं सैंपल पेपर क्लास 5th का, आज हमने ईवीएस का कर लिया है. नेक्स्ट आगे की वीडियो में जो है वो हम अगला सैंपल पेपर जो है फुली सॉल्व करवाएंगे बच्चों को, जिससे कि बच्चों को फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स.